Please let your member speak. Akhilesh Prasad ji. Mahoday. You have only 5 minutes. कृषि मंत्री जी के भाषण के बाद ऐसे ही पूरा सदन और तनाव में चला गया। एक तरफ किसान परेशान, सीमाओं पर डटे हैं लाखों की संख्या में, और इधर जो भी किसानों के पक्ष में बोलता है भारतीय जनता पार्टी के लोग और सरकार की तरफ से लोग उनको बोलने नहीं देते हैं। मैं चाहता हूं, ऐसा कभी नहीं हुआ, अभी हो रहा था, आप क्यों मेरा समय ले रहे हैं? वो अब कर रहे हैं ना, अभी तो कर रहे हैं। एक तरफ कोरोना महामारी ने जिस तरह जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव डाला है, वह मानव इतिहास में विश्व युद्ध के बाद कभी हुआ नहीं। और आज जिस स्थिति में, मैं जानता हूं समय की कमी है इसलिए मैं सारी बातों का उल्लेख नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद साहब को, जिन्होंने आज की परिस्थिति के बारे में, किसानों के बारे में जो चिंता जाहिर की और जिस तरह से अपनी बात रखी, उसके बाद भी अगर सरकार को समझ में नहीं आ रही है ये बात, तो भगवान ही मालिक है। और मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि जो सरकार किसानों की उपेक्षा और अपमान करेगा, वो सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है, ये इतिहास बताता है। हम खुद एक किसान हैं और 2004 में कृषि महकमे का काम भी देखता था सरकार में रहते हुए। आदरणीय शरद पवार साहब मेरे बड़े सहयोगी थे, वरिष्ठ सहयोगी थे, वो कार्यकाल भी मैं देखा। और उस कार्यकाल में शरद पवार जी पूर्व के सारे, जब बजट पास होता था, कृषि विभाग पर कोई चर्चा होती थी तो सारे कृषि मंत्री को बुलाते थे। स्वर्गीय चतुरानंद मिश्र जी को मैं देखा उनसे बात करते हुए, राजनाथ सिंह जी जो अभी आपके साथ मंत्री हैं वो कृषि मंत्री रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, उनको बुलाते थे, स्वर्गीय बलराम जाखड़ साहब को बुलाते थे, प्रकाश सिंह बादल साहब को बुलाते थे, देवेगौड़ा जी को बुलाते थे, सबसे चर्चा करते थे, खुले तौर पर चर्चा करते थे। और बजट, पहली बजट में आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने सभी किसान संगठन के लोगों को बुलाकर और बात किया था, और मैं फख्र के साथ कह सकता हूं आपकी तरफ से बार बार ये डेढ़ गुना आमदनी की चर्चा होती है, लेकिन जिस समय मैं मंत्री था पहली बार ये फैसला हुआ, उस समय 11वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 11वीं पंचवर्षीय योजना तक पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कभी भी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये प्रति क्विंटल भले ही बजट में MSP के लिए बढ़ोतरी होती थी। और हमको अच्छी तरह से याद है कि स्वर्गीय वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जिस धान का कीमत 550 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सीधे 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था, सीधा दुगना करने का काम हुआ था। जो 620 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं का कीमत था, उसको हम लोगों ने 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया था। और केवल यही नहीं, वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में बैंकों से किसानों को इंटरेस्ट मिलता था 10% पर, और जो पूंजीपति और व्यवसायी लोग जब गाड़ी खरीदने जाते थे तो उनको मिलता था 8% पर ऋण, 8% पर। आप शायद उस समय हाउस में नहीं थे उस वक्त। लेकिन you have to start concluding. पवार साहब ने ये बात कह के और सीधे उसको 6% पर पहले लाने का काम किया और अब 4% पर है। मेरा कहने का मतलब यह है, कांग्रेस पार्टी शुरू से किसान और खेती मेरी पार्टी की प्राथमिकता रही है, प्रतिबद्धता रही है। और हम आपको कहना चाहते हैं, कुछ साथी, हम जानते हैं समय कम है। Honorable member, you'll have to conclude now.
Why should I have to conclude? Because your time is over. मैं बिहार से आता हूँ. Your time is over. क्या करूँ? बिहार से आता हूँ. पहले आपके मेंबर्स ने ज्यादा टाइम दिया है आपको सिर्फ 5 मेरे साथ भी आप सौतेलेपन का व्यवहार मत करिए कृपा करके सर. मेरे एक विद्वान साथी टाइम डजंट अलाउ मी आरसीपी साहब अपने भाषण में अदर मेंबर्स हैव टेकन मोर टाइम सो ही हैज लॉस्ट सम टाइम. देखिए हमारे पास तो कोई बिजनेस आज खत्म. मेरे यहाँ 5 मिनट है. मेरा पहला राज्य है बिहार जहाँ एपीएमसी एक्ट सबसे पहले नीतीश कुमार जी ने समाप्त किया था और आज वहाँ 1 एकड़ में किसानों की आमदनी कितनी है? 3,000 रुपए. पंजाब और दीपेंद्र हुड्डा जी के राज्य में सबसे ज्यादा जहां मंडियां काम कर रही थी जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है वहां 15,000 से ज्यादा 1 एकड़ में किसानों की आमदनी है. और यही कानून आप ला रहे हैं. डंकल प्रस्ताव आया था उस समय भी विरोध हुआ था. क्यों विरोध हुआ था? क्योंकि किसानों के बीज पर आक्रमण हो रहा था. आज जो आप ला रहे हैं जो भी कृषि मंत्री जी चले गए भाषण करके लेकिन ये सीधा खेती और खलिहान पर आक्रमण है. इसमें आप बरगला नहीं सकते हैं. प्लीज एड्रेस द चेयर ऑनरेबल मेंबर. प्लीज एड्रेस किसान पर आक्रमण करेंगे तो किसान खड़ा होगा. और इसी का जिक्र किया था उस दिन पिछले बार भी जब आपकी सरकार थी तो आप लैंड एक्विजिशन बिल लाए थे जमीन अधिग्रहण का बिल लाए थे और उस समय भी जब किसान खड़ा हुआ तो आपको बिल वापस लेना पड़ा था. आप अहंग और अहंकार की लड़ाई कांग्रेस पार्टी से जरूर लड़िए विपक्ष की पार्टियों से जरूर लड़िए. हो सकता है राहुल गांधी जी ने पहले ट्रैक्टर रैली कर लिया हो पंजाब में उनसे आपको समस्या हो सकती है. आप इधर के नेताओं का सिक्योरिटी कम कर लीजिए जितना कम करना हो कोई समस्या नहीं है. घर खाली करवा लीजिए प्रतिपक्ष के नेताओं का कोई समस्या नहीं है. लेकिन किसानों का खेत और खलिहान पर आक्रमण करना बंद करिए नहीं तो एक बार जब ये किसान खड़ा होगा तो शासन चलाना आपके लिए मुश्किल होगा. ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ. थैंक यू. और Sir, your time is over. In fact, there are 2 minutes. बिहार का फैक्ट तो रख लेने दीजिए. मैं सॉरी बट टाइम डजंट अलाउ. नहीं, शेड्यूल डजंट अलाउ. दो मिनट पिछले चार वर्षों में प्लीज कंक्लूड. 17-18 में 20,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया जो बिहार प्रदेश की पूरी उपज का 0.29% था. 18-19 में 17,504 मेट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई थी प्रदेश की पूरी उपज का 0.27% था. 2019-20 में 2815 मेट्रिक टन गेहूं खरीद हुई जो कि पूरी उपज का 0.4% था. 2020-21 में अभी तक केवल 5,000 मेट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है. बिहार प्रदेश इस वर्ष पूर्ण उपज का 0.81% है. न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद में कमी एक बहुत बड़ा कारण प्रदेश प्रोक्योरमेंट में सेंटर की कमी है. और ये केवल मैं नहीं कर रहा हूँ वहाँ के कृषि विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने भी भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में ये बातें स्वीकार की है कि वहाँ मिलिंग फैसिलिटीज नहीं है वहाँ प्रोक्योरमेंट सेंटर नहीं है. और 2004 में मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ कि पहली बार जब हम लोग UPA 1 की सरकार थी तो FCI ने सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड खरीदारी 15 लाख मेट्रिक टन धान की थी और वही आज तक का रिकॉर्ड है. आप पता कर सकते हैं कहीं भी जबकि वहां 70 से 80 लाख मेट्रिक टन धान का मार्केटेबल सरप्लस है. जो मार्केटेबल सरप्लस गेहूं का है उसका आपको हमने ब्यौरा दिया है. इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि APMC का सबसे पहला प्रयोग बिहार में हुआ और बिहार में सबसे ज्यादा माली हालत अगर पूरे देश में कहीं किसानों की है तो वो बिहार की है जहाँ के नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार आपके साथ पिछले 15-16 साल से वहाँ चला रहे हैं. तो पूरे देश का क्या होने वाला है इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है. अंत में आप भाषण कितना भी कर लीजिए लेकिन वास्तविकता से नहीं भाग सकते. और वास्तविकता यही है कि किसान आपकी मंशा और मंसूबा अच्छी तरह से समझ चुके हैं और इसीलिए लाखों की संख्या में दिल्ली को
घेरा और डेरा डालकर बैठे हुए हैं, और जब तक इन तीनों किसानों बिलों को आप वापस नहीं लेंगे तब तक किसान हटने वाले नहीं है, वो वैसे ही डटे रहेंगे। और हम उनके सपोर्ट में हैं, और पूरा 16 पार्टी उस समय भी जब आप कानून ला रहे थे, चर्चा कर रहे थे, तब भी हमने कहा था। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर। जय जवान। इसके बाद सरदार बलविंदर सिंह जी भुंदर।